कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कारण परासिया में 100 बिस्तर वाला अस्पताल बनने जा रहा है। इस अस्पताल को लेकर कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते स्वीकृति दी थी। बीजेपी इस मसले पर राजनीति कर रही है। परासिया में विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने बीजेपी पर अस्पताल के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा, गत 21 सितम्बर 2018 को परासिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जन आशीर्वाद यात्रा में बगैर स्वीकृति के 100 बिस्तर के अस्पताल का भूमि पूजन किया था, लेकिन भाजपा के शासनकाल में अस्पताल के लिए कुछ नहीं हुआ। बाद में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुल नाथ ने न केवल कैबिनेट में 100 बिस्तर के अस्पताल की स्वीकृति दिलाई बल्कि 14 करोड़ की राशि अस्पताल भवन निर्माण के लिए और 1,77,00,000 की राशि उपकरणों और फर्नीचर के लिए स्वीकृत की। हॉस्पिटल की 100-बेड हॉस्पिटल की जो उन्नयन होने जा रहा है वो 14 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनेगा और साथ ही साथ इसमें 1,77,00,000 रुपए का जो इक्विपमेंट्स होते हैं और जो फर्नीचर्स वगैरह स्टाफ के लिए डॉक्टर्स के लिए वो सारी व्यवस्था भी इसके अंदर में रखी गई। 14 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लिए है और 1,77,00,000 रुपए इक्विपमेंट्स और फर्नीचर के लिए है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को, कि उनकी सकारात्मक सोच से ये सुविधा हमें प्राप्त हुई। 2018 में जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तत्काल रूप से मैंने माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी से बोला और उसने इस गंभीरता को समझते हुए उन्होंने स्वीकृति दिलाई, जिसका टेंडर लग गया है। 2 दिन बाद टेंडर की उसकी कार्रवाई हो जाएगी। किसी भोपाल वाले कॉन्ट्रैक्टर को इसका टेंडर मिला है, वो टेंडर मिलने के बाद में जो भी एग्रीमेंट होते जो औपचारिकता होती है PWD के माध्यम से उसको किया जाएगा। मैं ये बात जरूर मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 2011 में जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र मोडुंगरी में इस बात की घोषणा करी थी कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे और 2011 के बाद हॉस्पिटल का कहीं अता पता नहीं था। हम निरंतर बात करते रहे विधानसभा में, कई बार हमने प्रश्न उठाया, कई बार हमने मामले उठाए मगर नहीं बन पाया। मगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तुरंत इस बात को गंभीरता से लिया और 14 करोड़ रुपये की राशि हमको भवन निर्माण के लिए दी और 1,77,00,000 इक्विपमेंट्स और फर्नीचर के दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।